करीब 15 दिन पहले आधी रात को एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी की लूट करने वाले गिरोह का इंदौर जीआरपी ने पर्दाफाश किया था, जहां पर पुलिस ने 4 लोगों को हरियाणा पुलिस की मदद से पकड़ा था। आरोपी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की लंबी दूरी ट्रेनों में लूट करते थे और इसके पास से 0.5 किलो सोना साथ ही में लूट का अन्य सामान बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी 5 के सिक्के की मदद से ट्रेन को रोक कर वारदात करते थे। रेलवे ट्रैक पर सिक्का रखकर सिग्नल रेड करके लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने के बाद इंदौर पुलिस ने आरोपियों से घटना का रिक्रिएशन करवाया। आरोपियों की ट्रेन रोकने की तकनीक को देखकर अफसर भी दंग रह गए। पुलिस और रेलवे के तकनीकी अफसर बदमाशों को मक्सी स्थित ट्रैक पर ले गए और इसका वीडियो भी बनाया गया। आरोपियों ने जैसे ही पटरी पर 5 का सिक्का रखा, सिग्नल रेड हो गया। इस तरह से ट्रेन रोककर आरोपी 15 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। इंदौर जीआरपी पुलिस के अनुसार आरोपी लंबी दूरी और दक्षिण भारत की ओर चलने वाली ट्रेनों को ही निशाना बनाते थे और हर रेलवे क्रॉसिंग पर रेल के पटरी पर सिक्का डालने से सिग्नल रेड हो जाता है, जहां पर हाईवे के समीप जहां रेलवे क्रॉसिंग पर गार्ड या कर्मचारी नहीं होता, बदमाश वहां पर ट्रेन आने से पहले पहुंच जाते थे। इसके बाद सिग्नल रेड कर गाड़ी में चढ़ जाते थे और जब तक सिग्नल ग्रीन होता उससे पहले वारदात कर भाग जाते। साथ ही में आरोपी राहुल वाल्मीकि, सोनू वाल्मीकि, छोटू उर्फ सुखबीर और दीपक है, इनका एक साथी फरार है। ट्रेनों में लूट करने वाले आरोपियों पर लाइव डेमो किया गया है, किस तरीके से उन्होंने बताया कैसे करते थे लूट और क्या करते थे? ये जून के माह में मक्सी के पास सिग्नल को में विघ्न पैदा करके सिग्नल को डिस्टर्ब करते थे और उसके पश्चात गाड़ी रुकती थी और ट्रेन को रुकने के पश्चात आरोपीगण उसमें प्रवेश करके लूट की घटना कारित करते थे। इन आरोपियों द्वारा लगभग महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 4 राज्यों में वारदात की है। इनको इस घटना को का पर्दाफाश करने के लिए मेरे साथी एडिशनल एसपी और वहाँ की टीम ने बहुत मेहनत की है। इनको हम लोगों ने उनके फास्टैग के माध्यम से इनको पकड़ा है और जब इनको पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि वो ट्रेन पर पटरी पर सिक्का रख करके सिग्नल को विघ्न पैदा करते थे और इस कारण से सिग्नल डाउन हो जाता था और उसके पश्चात ही उसके अंदर प्रवेश करके घटना करते थे। कितने लोग रहते थे मैम ये और किस तरीके से अंदर घुसते थे? इसमें तो 5 लोगों की टीम है, 5 लोग हैं इस गैंग में और ये इसमें कुछ का काम है ट्रेन को रोकना, कुछ का काम है अंदर प्रवेश करके गेट खोलना और कुछ का काम है अंदर जा करके लूट करना और एक का काम है कि पहरा करना, भी आता नहीं रहा है। लाइव डेमो में क्या बताया उन्होंने, किस तरीके से रखते थे? यही बताया उन्होंने कि पटरी पर सिक्का रख करके वो उसको उसका सिग्नल को फॉल्ट करते थे, शॉर्ट करते किसी थे। मिली भगत से करते थे रेलवे वाले? नहीं, वो उनका खुद का अपना था, रेलवे वाले ऐसा कुछ नहीं। सिक्के के अलावा और किस तरीके से करते थे? नहीं, वो तो उन्होंने सिक्का ही बताया। सिक्के बताया। कितने आरोपी अभी गिरफ्तार? अभी 4 आरोपी गिरफ्तार। कहाँ के रहने वाले? ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। और कहीं की भी लूट का इन्होंने खुला सब किया? इन्होंने हरियाणा, इन्होंने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की लूटों का खुलासा किया। सभी दूर यही तरीका रहता था? सभी दूर यही तरीका, ये अलग अलग तरीके से? नहीं, यही तरीका है, यही तरीका है। वहीं आरोपी राहुल ने पूछताछ बताया है कि उसके पिता रेलवे में गैंग मैन हैं, उसके साथ पटरियों पर जाते वक्त यह तरीका सीखा था। हर स्टेशन के पहले ट्रैक पर एक सर्किट होता है जिसे ट्रैक सर्किट कहते हैं। जब ट्रेन पटरी से गुजरती है तो अपने आप स्टेशन पर लगा सिग्नल ग्रीन हो जाता है। जब सर्किट में फॉल्ट होता है तो यह सिग्नल रेड हो जाता है। गैंग के साथी ने अपने पिता के क्रॉसिंग पॉइंट में सिक्का रखकर रेड सिग्नल करना सीखा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।